हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में हम एनआईटी आई टी रावरकेला के लगे तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना होगा जो कि है एन आई लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो so, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको अनाउंसमेंट्स दिख रहे हैं जिसमें है नोटिस फॉर एडमिशन टू पी प्रोग्राम फॉर द सेशन स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी राइट सो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं सो so येस yes, ये है नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जिनके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है उनके लिए है या एक और कैटेगरी है विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप सो आप के पास अगर फेलोशिप नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बट आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं मिलेगी ठीक है सो ये सिर्फ दो ही कैटेगरीज़ है जिनमें इस बार इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशन सो एप्लीकेशन्स आर इन्वाइटेड ऑनलाइन फॉर द पी एच डी प्रोग्राम एंड अगेन यहाँ पर लिखा है दैट हु हैव क्वालिफाइड फॉर एक्सटर्नल फेलोशिप हाउ एवर जिनके पास नहीं है फेलोशिप दे मे ऑल्सो बी कंसीडर्ड राइट दैन स्टूडेंट जिनके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है जैसे जे आर एफ राइट सो उन्हें स्पेसिफिकली प्रेफरेंस मिलेगी और उन्हें इंक्रेज भी किया गया है नाव ये टेबलो फॉर्म में यू कैन सी नेम ऑफ डिपार्टमेंट कोड एंड जो भी एरिया ऑफ रिसर्च ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च अवेलेबल है यह सिर्फ इंडिकेटिव है ठीक है बट येस एज ऑफ नाव ये अवेलेबल है सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट है बायोटेक एंड मेडिकल इंजीनियरिंग तो आप प्लीज एरियाज को चेक कर लीजिएगा हम अभी सिर्फ डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे दैन सिविल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग दैन सेरामिक इंजीनियरिंग सी एस सी कैमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अर्थ एंड एटमोस्फेरिक साइंस दैन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एच एस एस एच एस एस में इकोनॉमिक्स इंग्लिश सोशलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी देन साइकोलॉजी संस्कृत एंड अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट्स भी हैं दैन इंडस्ट्रियल डिजाइन लाइफ साइंस मैथ्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेटोलॉजिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग माइनिंग इंजीनियरिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर फिजिक्स एंड एस्ट्रॉनि एंड ट्वेंटी है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट सो ये ओवरऑल डिपार्टमेंट्स एंड स्कूल्स हैं नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो मेन तो आपको पता ही है आपके पास जे आर एफ हो या नहीं भी हो तो भी

बी बी टेक किया हुआ है डायरेक्ट पी करना चाहते हैं सो सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स या फिर सेवन सी के साथ आपने किया हो नेक्स्ट एम एस सी बेसिक साइंसेज है सेवन सी जी पी ए तो बेसिकली वॉट इज़ या ये क्या लिखा हुआ है सो देखिए सेपरेट सेपरेट आपने देखे डिपार्टमेंट्स हैं सो बेसिक साइंस के लिए क्राइटेरिया फॉलो होगा सी वाला राइट सो एम एस सी है बेसिक साइंसेज में विथ सी जी पी ए सैवन और सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स तो आप एलिजिबल होंगे जिनके पास वैलिड गेट या नेट है सो उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा फाइव परसेंट या जीरो पॉइंट फाइव सी जी पी ए का देन डी है एम बी बी एस या बी बी एस सी किया है सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं देन पी एच डी इन मैनेजमेंट एंड एच एस एस के लिए भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते जिन्होंने एम ए एम कॉम एम बी एम एस सी किया एच एस एस में या मैनेजमेंट में या इनफैक्ट बीटेक किया है विथ सिक्सटी परसेंट मार्क्स तो आप एलिजिबल हैं इन सभी कैटे जो भी आपने क्राइटेरियाज़ देखे उनके साथ ही एडिशनल क्राइटेरिया हैं जो आप फुलफ़िल करते हो सबसे पहले सिक्सटी परसेंट मार्क्स या सिक्स पॉइंट फाइव सी जी बी आपका थ्रू आउट रहा हो आपके करियर में ओके okay? तभी आप एलिजिबल होंगे हाउ एवर कुछ एग्जामिशंस मिल सकते हैं सो तो आप प्लीज़ इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा देन इंजीनियरिंग या साइंस डिसप्लिन एक्सेप्ट लाइफ साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैथ्स आपने टेन प्लस टू लेवल पर किया हो या डिप्लोमा टाइम पर किया हो गया okay, या डिप्लोमा किया हो नेक्स्ट है स्टूडेंट जो कि पी एच डी प्रोग्राम इंजीनियरिंग फ़िजिक्स मैथ्स में चाहते हो उनके पास टेन प्लस थ्री लेवल दैट इज ग्रेजुएशन लेवल पर मैथ्स मैंडेट्री है कि होना चाहिए एंड पूरे पूरे जो पॉइंट्स हैं इसे मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो प्लीज़ आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा प्रॉपरली नेक्स्ट है कि जो भी लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस में पासड हैं सो उनके लिए भी लिखा हुआ है कि लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में अगर आप पी करना चाहते हैं तो लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस आपने टेन प्लस टू या थ्री लेवल पे रहा हो किया हो आपने उससे अपने करियर में बेसिकली एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसमें वो सब्जेक्ट्स आपके रहे हो सो so इसके बाद जिनके पास क्वालिफाइंग डिग्री नहीं है उनके लिए लिखा हुआ है सो गाइस प्लीज़ डू चेक इट आउट देन जो रिज़ल्ट अवेट कर रहे हैं या सब अप्लाई कर सकते हैं सो उसके लिए क्या कंडीशन है वो यहाँ लिखी है देन क्वालिफाइंग डिग्री और जो प्राइमरी डिसिप्लिन uh, होना चाहिए वो लिखा है जैसे सबसे पहले बायोटेक एंड मेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है सो so, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से रेलिवेंट डिस अलाउड हैं सो ये प्रॉपर है अगर आप इसे फुलफिल करते हैं तभी आप अप्लाई करिएगा सो डिपार्टमेंट्स हमने ऑलरेडी देखे हैं आप इसे चेक कर लीजिएगा आपके डिपार्टमेंट के सामने जो भी क्राइटेरिया लिखा है देन कुछ और नोट्स हैं सो डू चेक इट आउट चेक इट आउट एज वेल देन फाइनेंशियल सपोर्ट है सो एक्सटर्नल फेलोशिप है तो वो तो आपको फंडिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा नहीं है तो फिर आपको पता है इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेलेबल नहीं है देन फी स्ट्रक्चर जो कि टोटल फी है अराउंड फिफ्टी सेवन थाउजेंड ओके देन नोट में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं फिर रिफंड अगर आपको करना हुआ छोड़ दिया आपने भेज दी तो क्या सीन है क्या सिचुएशन होगी वो लिखा हुआ है देन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दैन एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसीजर सो आई विल ट्राई कि लिंक डिस्क्रिप्शन में हो सी पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना है देन यहाँ पे फाइव हंड्रेड रुपीज़ एप्लीकेशन फी है जो आप एस बी आई कलेक्ट के थ्रू पे करेंगे ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है ओके देन हार्ड कॉपीज़ आपको कोई भी नहीं सेंड करनी हाँ और इंटरव्यू में आपको ले जाना पड़ेगा सो तो आप उसे देख लीजिएगा नाव एप्लीकेशन फॉर्म की डेट सो फाइव जनवरी फिफ्थ जैन से स्टार्ट हुआ एंड ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जैन इज़ द लास्ट डेट सो इक्कीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस से सॉरी दो हज़ार बाईस से पहले अप्लाइन अप्लाई कर लीजिएगा एंड लिस्ट कब आएगी देन इंटरव्यू या टेस्ट होगा वेन्यू सेम है नाइटी आवर के लिए या ऑनलाइन भी हो सकता है सो so ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बाद में कन्फर्म होंगी राइट ये सारे डेट्स हैं डू चेक इट आउट एंड येस तो हाउ टू रीच द इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा है देन कोई भी क्वेरी है सो एडमिशन एट द रेट एन आई टी आर के एल डॉट ई सी डॉट इन पर आप मेल कर सकते हैं सो दैट इज़ इट ये थी इन्फॉर्मेशन लिंक आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में एंड इफ यू विश यू कैन अप्लाई सो दैट इज़ इट फॉर टूडे डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग